के साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि 7 आईएएस, 4 आईपीएस और 7 आईएफएस के तबादले यहां पर हुए हैं। आईपीएस परमज्योति उप महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस जयपुर, इसके साथ ही आईपीएस योगेश दादीज एसपी एसओजी जयपुर, आईपीएस देवेंद्र विश्नोई एसपी एसीबी बीकानेर, आईपीएस आलोक श्रीवास्तव एसपी एसीबी कोटा। तो यहां पर आपको बता दें कि आईपीएस और इसके साथ ही आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर कुछ अफसरों के यहां पर तबादले हुए हैं, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आईएएस आईपीएस और आईएएस की तबादला सूची जारी की गई है जी, जिसमें 4 आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पर उनके ट्रांसफर किए गए, जिसमें परम ज्योति है उनको उप महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस लगाया गया है, योगेश दादीज को एसपी एसओजी लगाया गया है, देवेंद्र कुमार बिश्नोई को एसपी एसीबी बीकानेर लगाया गया और आलोक श्रीवास्तव को यहाँ एसपी एसीबी कोटा लगाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आईएएस अधिकारियों की यदि हम बात करें जी, तो सुधांशु पंत जो अब तक की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन की जो जिम्मेदारी निभा रहे थे, 91 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इनको अब एसटीएम रीपा का महानिदेशक का यहां पर चार्ज किया गया है। हालांकि इनको दिल्ली भी अब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी जाने वाले हैं। मंजू राजपाल जो कि अब उनको अब ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब तक ये जिम्मेदारी के पाठक संभाल रखे थे और के पाठक को अब बड़ा जिम्मा दिया गया है। शासन सचिव वित्त राजस्व विभाग का उन्हें जिम्मा दिया गया है, फाइनेंस में उनको लगाया गया है। जोगाराम जो अब तक स्वास्थ्य शासन विभाग की सेक्रेटरी के पद पर थे, उनके साथ साथ अब कुमारपाल गौतम का उनका वहां से तबादला होने के बाद उनको आरयू आईडीसी की भी जिम्मेदारी दी गई है। कुमारपाल गौतम को बीकानेर से कलेक्टर हटाने के बाद उनको आरयू डीआईपी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आबकारी आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित को जब जयपुर कलेक्टर बनाया गया था तो आबकारी आयुक्त का पद खाली हो गया था। अब कुमारपाल गौतम को आबकारी आयुक्त बना दिया गया। इसी तरीके से देवस्थान विभाग की जो अब तक जिम्मेदारी करण सिंह जो संभाल रहे थे, अब उनको उच्च शिक्षा में विशिष्ट शासन सचिव के पद पर लगाया गया। साथ में जो नम्रता वैष्णी है उनको अब यहाँ पर संयुक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगाया गया। साथ में टी रविकांत को एडिशनल चार्ज दिया गया है। जो सुधांशु पंत का जो तबादला एसटीएम रीपा में हुआ है तो उनकी जगह अब अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में टी रविकांत को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अफसर हैं उनके भी तबादले हुए हैं, जिसमें 7 आईएफएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। साथ में 5 आईएफएस अधिकारी हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया है। जिसमें देखिए जो सुने मुनीश कुमार जो गर्ग हैं उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास एवं कार्य योजना की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जित बनर्जी है उनका हाल में प्रमोशन हुआ है, उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। महेशचंद गुप्ता को वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन लगाया गया है। सुनील को जो उप वन संरक्षक अजमेर की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र कुमार शर्मा को उप परियोजना निदेशक राजस्थान वानिकी विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। रवि कुमार मीणा को भरतपुर लगाया गया है उप वन संरक्षक अधिकारी के पद पर और टी बाला गुरमन को सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर जयपुर लगाया गया। इसी तरीके से ये 7 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। साथ में 5 आईएफएस अधिकारी हैं जिनको अपने काम के साथ साथ एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, जिसमें शिखा मेहरा है जिनको नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर अग्रिम आदेशों तक जिम्मेदारी दी गई है। उदय शंकर है उनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। ख्याति माथुर है, महेश चंद गुप्ता है और साथ में मनकुल सिंह है। ये 5 आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए बड़ी चीज ये है कि सुधांशु पंत का नाम दिल्ली में केंद्र पर प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। पीएचडी से उनको हटाकर सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन लगाया गया और अब सबसे चर्चित नाम है, क्योंकि देखिए उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी कार्यकुशलता हर कोई वाकिफ है और सुधांशु पंत केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर अब जाने वाले हैं, तो उससे पहले उनका जो तबादला है एसटीएम रीपा कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कुमारपाल गौतम है 2009 बैच के आईएएस अधिकारी है, आबकारी आयुक्त का पद खाली पड़ा था। इस समय आबकारी में इनकम जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इनकम सोर्स में, तो आबकारी में बड़े लंबे समय तक पद खाली नहीं रख सकते थे, तो ऐसे में कुमारपाल गौतम को ये बड़ी जिम्मेदारी
दी गई है, क्योंकि प्रकाश राजपुरोहित अब से पहले आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रखे थे, लेकिन राजन विशाल के विदेश ट्रेनिंग पर जाने के बाद प्रकाश राजपुरोहित को उदयपुर आबकारी आयुक्त से हटाकर जयपुर कलेक्टर लगाया गया, तो उसके बाद ये पद खाली पड़ा था, लेकिन कुमार पाल गौतम को यह बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कह सकते हैं दी गई है आबकारी आयुक्त की। इसी तरीके से कह सकते हैं कि आर्य तबादला सूची पर भी अब अटकलें हैं कि जल्द ही राजस्थानी प्रशासनिक सेवा के जो आर्य अधिकारियों की तबादला सूची है वो भी जल्द आएगी। जी जी, चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।